रुपा जी, देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन वायदा $1697 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और सी का भी बयान निकल के सामने आया है कि जो सरकारी अनुमान है उसके मुकाबले जो व्यापारी अनुमान है और जो एक्चुअल उत्पादन है वो काफ़ी कम रह सकता है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह से सोयाबीन की जो दाम है वो क्या आगे अभी और बढ़ सकते हैं? देखिए, सोयाबीन के दामों में अभी तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है कि एडिबल ऑयल पैक जो है पॉजिटिव रह सकते हैं, और जिस तरीके का अभी फिलहाल सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसके चलते एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के अंदर तेजी बनी रह सकती है। बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद जा सकते, लेकिन गिरावट भी नहीं है, और मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर रह सकती है मार्केट के अंदर। और एडिबल ऑयल पैक जो है अभी भी डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से तेजी की तरफ बना हुआ है, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या फिर रिफाइंड सोया हो, सब में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाजार जो है सस्टेन कर सकते हैं अपनी तरफ और तेजी की तरफ मार्केट बना रहा है। जी,